Assalamualaikum, welcome to SmartWorks Zone. आज हम CS506 की final term की preparation start कर रहे हैं. सबसे पहले हम quiz करेंगे. जितने भी हमारे पास quiz होंगे उनको हम देखेंगे कि इसका कौन सा answer correct है, वो क्यों correct है, और उससे related जितने भी और questions या quiz बन सकते होंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी. उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि एक आपको जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट भी दे दूं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से आते हैं. मटेरियल क्योंकि ज़्यादा होगा तो हो सकता है वीडियोस जो हैं ये हमारी दो या तीन वीडियोस पे हो जाए हमारा पूरा जो ये लेक्चर है. तो बाकी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दी HTTP रिस्पॉन्स वैल्यूज इन द रेंज डैश स्पेसिफाइड डैट द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल. ऑप्शन है 100 से 199, 200 से 299, 300 से 399, 400 एंड ये मैंने एक खुद से ऑप्शन लिखा है 500 से 599. ये मैंने क्यों लिखा है ये मैं आपको डिटेल से बताती हूँ. एक्चुअली HTTP जब हमें रिस्पॉन्स देता है तो वो रिस्पॉन्स में हमें कुछ वैल्यूज़ देता है. वो जो वैल्यूज़ होती हैं एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर उनका कुछ मीनिंग होता है, ठीक है. तो वही वो हमसे पूछ रहा है कि वो क्या मीनिंग होगा अगर वैल्यू हमें जो मिलेगी, ठीक है. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ उनकी रेंज क्या होती है, फिर हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो रेंज स्टार्ट होती है 100 से 199 तक की जो रेंज होती है वो हमें इन्फॉर्मेशन के बारे में बताती है, ठीक है. 200 से 299 तक की जो है वो रिक्वेस्ट आपकी सक्सेसफुल है नहीं सक्सेसफुल, आपकी सक्सेसफुल रिक्वेस्ट के बारे में आपको बताती है. उसके बाद 300 से 399 की जो रेंज होती है ये आपको रीडायरेक्शन के बारे में बताती है. 400 से 499 तक जो है वो क्लाइंट की साइड से अगर कोई एरर है तो उसके बारे में बताएगी. उसके बाद है 500 से 599, यहाँ तक हमारी रेंज ख़त्म हो जाती है. 500 से 599 जो है ये इसके दरमियान अगर आपको नंबर मिले तो इसका मतलब है कि सर्वर साइड पे कोई एरर है वो ये शो करेगा, ठीक है. तो यही बात है. अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने हमें क्या कहा है, वो कहता है कि स्पेसिफाइड एट द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल. जब रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है तो आपको कौन सा कोड मिलेगा, आपको ये वाला कोड मिलेगा, ये कोड मिलेगा. तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि 200 से 299 तक जो है ये आपको सक्सेसफुल रिक्वेस्ट के बारे में बताते हैं, इस जगह पे अगर वो लिख देता स्पेसिफाइड एट द इंफॉर्मेशन या रीडायरेक्शन या क्लाइंट एरर या सर्वर एरर के बारे में, तो आप इनमें से दूसरे ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. और इनमें से कोई भी जो आपको है क्वेश्चन आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा. सो आपने इन सारी वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से और कौन सी वैल्यूज़ की वैल्यू की रेंज जो है वो कौन सा काम करती है ये याद रख लेना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बीन क्लास डैश बी सीरियलाइजेबल, ठीक है. तो बीन क्लास डैश बी सीरियलाइजेबल ऑप्शन में उन्होंने कैन कैंट मस्ट एंड शुडंट बताया हुआ है. अब जो है बीन क्लास सीरियलाइजेबल, सीरियलाइजेबल क्या होता है, देखिए जब हमने कोई चीज़ सेंड करनी होती है तो नॉर्मली स्ट्रिंग के अंदर सेंड होती है, पूरे ऑब्जेक्ट को आप सेंड नहीं कर सकते. अगर आपने पूरे ऑब्जेक्ट को सेंड करना हो तो ऐसा कोई मेथड चाहिए होगा कि उस पूरे ऑब्जेक्ट को सेंड किया जाए, वरना उसके अंदर से हर स्ट्रिंग को उठा के अलग-अलग सेंड करना पड़ता है. तो सीरियलाइजेबल एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए से पूरे ऑब्जेक्ट को जो है वो सेंड कर दिया जाता है. अब वो कह रहा है कि जो बीन क्लास है क्या वो सीरियलाइजेबल हो सकती है या नहीं हो सकती. तो बीन क्लास की कुछ जो हैं वो हमारे पास उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, या यूँ समझ लें कि उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हम देख लेते हैं. कहता है कि जो बीन क्लास है उसमें ज़ीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होता है, यानी कि उसका जो कंस्ट्रक्टर होता है उसमें आर्ग्यूमेंट कोई भी नहीं होता. उसके बाद इसके अंदर जो है पब्लिक इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होते, ठीक है, ये दो चीज़ें. और थर्ड ये है कि जितनी भी प्राइवेट वैल्यूज़ होती हैं उनको सेटर या गेटर्स के ज़रिए से एक्सेस किया जाता है. और फोर्थ है बीन क्लास मस्ट बी सीरियलाइजेबल, कि जो बीन क्लास है वो सीरियलाइजेबल ज़रूर होती है. ये चार ऑप्शन है, इन चारों के बारे में क्वेश्चन आ जाता है. वो बाजू का तो आपको ये पूछ लेता है कि जो बीन क्लास है उसके अंदर आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट कितने होते हैं, वो आपको 0, 1, 2, 3 ऑप्शन दे देगा.
या वो ये भी पूछ लेता है कि पब्लिक इंस्टेंस वेरिएबल होता है या नहीं होता, या प्राइवेट वैल्यूज़ जो हैं, ये चारों के चारों जो हैं ये आपके एमसीक्यूज़ हैं। और इसके बीन क्लास के चार ही मेन पॉइंट्स हैं, तो वो चारों मैंने डिस्कस कर दिए ताकि आपके चारों जो एमसीक्यूज़ हैं या क्विज़ हैं वो यहाँ पर सॉल्व हो जाए। अब ये क्योंकि बीन क्लास को सीरियलाइजेबल के बारे में पूछा है और वो हमने देख लिया है, एज इट इज़ लिखा हुआ है बीन क्लास मस्ट बी सीरियलाइजेबल, सो मस्ट इज़ द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बीन क्लास डैश हैव एनी ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल एट्रीब्यूट फील्ड्स। ये देखिए ये वही चीज़ आ गई है जो मैं अभी आपको बता रही थी। उसने कहा है कि उसके अंदर जो पब्लिक इंस्टेंस हैं, किसके अंदर, बीन क्लास के अंदर पब्लिक इंस्टेंस वेरिएबल्स जो हैं वो होते हैं या नहीं होते, कैन, कैंट, मस्ट, शुडंट, तो वो नहीं होते, होते ही नहीं हैं। कैंट का मतलब है कि नहीं हो सकते, लेकिन नहीं, शुडंट, ओके, ये एज इट इज़ हमारी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो अभी मैंने बताया था आपको ऊपर कि वो चारों के चारों जो हैं उनमें क्विज़ आ जाते हैं, और ये उसमें से उसका ही एक पॉइंट का एक और क्विज़ है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे जो मैंने ग्रीन टिक किए हुए हैं ये वाले, ये एक्चुअली एक पास पेपर है जो अभी रिसेंटली हुआ है, उस वो पास पेपर है मेरे पास, यानी कि अभी एक स्टूडेंट का, तो उसके अंदर से उसके जो जो एमसीक्यूज आए हुए थे, बजाय इसके कि मैंने उन्हें सेपरेट कहीं पे लिखती, मैंने यहाँ पे उन्हें ग्रीन टिक किया हुआ है। तो जहाँ भी ग्रीन टिक होगा इसका मतलब है कि वो एमसीक्यूज जो है वो अभी रिसेंटली आज के ही पेपर में आया हुआ है, तो उन्हें जो है आप ज़्यादा अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ जावा बीन स्कोप एट्रीब्यूट द बीन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन सर्वलेंट कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि वो कहता है कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जावा बीन स्कोप एट्रीब्यूट की कि जो हमारा बीन ऑब्जेक्ट है वो सर्वलेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर हो, ठीक है। तो देखिए अगर हम जो है ये वैल्यू पेज लेते हैं, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं पूरी एप्लीकेशन के अंदर से, ठीक है। अगर आप पेज यूज़ करेंगे तो पेज की जो वैल्यू होती है ये ख़ास पेज, यानी कि जिस पेज को आप यूज़ कर रहे हैं सिर्फ उसी पेज के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं, इसके अलावा आप कहीं और से एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह रिक्वेस्ट में अगर यूज़ करेंगे तो जो है वो सिंगल जो एक रिक्वेस्ट है उसके अंदर ही काम करेगा, किसी और रिक्वेस्ट के अंदर काम नहीं करेगा। सेशन भी बिल्कुल इस तरह होता है, एप्लीकेशन के अंदर आपने एक सेशन स्टार्ट किया, वो सेशन जब तक चलेगा तब तक आपका जो है ये स्कोप काम करेगा, उसके बाद फिर वो सेशन ख़त्म, स्कोप ख़त्म। लेकिन एप्लीकेशन जो है, अगर आप वैल्यू एप्लीकेशन लेते हैं तो एप्लीकेशन के अंदर अगर आप इसके अंदर लेते हैं तो जब एप्लीकेशन क्रिएट होगी तब से लेके जब एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय की जाएगी तब तक ओवरऑल जो है हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि बीन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन सर्वलेंट कॉन्टेक्स्ट, तो इसका मतलब है एप्लीकेशन इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी जो है ये पेपर में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब सर्विसेज आर वेब बेस्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन डैट यूज ओपन डैश स्टैंडर्ड्स एंड ट्रांसफर प्रोटोकॉल टू एक्सचेंज डाटा विद कॉलिंग क्लाइंट्स। तो पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो डाटा को एक्सचेंज करते हैं जब क्लाइंट्स को कॉल किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास XML बेस्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक वाली बात नहीं है। सो आपने याद रखना है कि जब भी एक्सचेंज डेटा के हवाले से क्लाइंट को कॉल किया जाता है तो उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं वो XML बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज़ अ स्टैंडर्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। नीचे हमारे पास चार ऑप्शन है, वो कहता है इन चारों में से कौन सा आपका स्टैंडर्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। ये देखें, स्टैंडर्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, तो सबसे पहला आंसर है जावा। जावा जो है ये आप सब जानते हैं कि जावा जो है वो एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो कोई फ्रेमवर्क नहीं है, तो ये तो इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास सर्वलेट। सर्वलेट को अपना काम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे JSP वगैरह, ठीक है। तो इसलिए ये भी स्टैंडर्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क नहीं हो सकता। उसके बाद JSP,
जेएसपी जो है ये एक टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है जो जावा के कोड और एचटीएमएल को इम्बेंट करके यूज़ करवाती है, यानी कि एचटीएमएल के अंदर ही आप जावा का कोड लिख के तो उसे यूज़ कर सकते हैं, दोनों को अलग-अलग नहीं रखना पड़ता। तो ये काम फैसिलिटी तो हमें देती है कि दोनों को एक जगह पे लिख लें, लेकिन ये भी एक कंप्लीट फ्रेमवर्क नहीं है। लेकिन जेएसएफ जो है ये आपके पास एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है, इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, ये आपको रीयूजेबल कंपोनेंट्स देता है, ठीक है, बिल्ट इन कंपोनेंट्स देता है, और फिर इंटीग्रेशन विद जावा टेक्नोलॉजीज, जावा की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके साथ ये इंटीग्रेशन भी करता है। तो जेएसएफ इज़ द करेक्ट आंसर। JSF जो है ये हमारा स्टैंडर्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअली कुछ इसमें पहले जो पेपर्स आते थे उसमें मिड का भी सिलेबस शामिल होता था, तो कुछ क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर मिड के हैं, उन पे मैंने क्रॉस किया हुआ है, वो हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज यूज टू क्रिएट थ्रेड्स इन जावा, जावा में थ्रेड किस तरह से क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले जो है मैं आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट थ्रेड का बता देती हूँ कि आखिर थ्रेड क्या चीज़ होती है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जावा के अंदर थ्रेड को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। जी, तो थ्रेड जो है ये एक्चुअली हमारे पास जब कोई एप्लीकेशन चलती है तो एक एप्लीकेशन के अंदर एक साथ बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो चल रहे होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोसेस से हमारा काम हो रहा होता है, एक काम के लिए एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। नॉर्मली इस तरह होता है कि एक प्रोसेस ख़त्म हो जाने के बाद जब ये फिनिश हो जाएगा तो अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जब वो अगला वाला जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो उससे अगला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह बहुत सारा टाइम लगेगा कि एक प्रोसेस ख़त्म हो फिर अगला हो सकता है हमारा जो आंसर है वो हमें कोई 10 प्रोसेसेस के बाद मिलना हो तो उतना हम वेट करेंगे। तो थ्रेड एक ऐसी फैसिलिटी देता है, ये अगर एक प्रोसेस चल रहा है ना, ठीक है, और दूसरा प्रोसेस जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो वो क्यों इसका वेट करे। तो थ्रेड जो है ये उससे भी साथ चला देता है, यानी कि हम कहते हैं कि हमने एक न्यू थ्रेड क्रिएट कर दिया जिस पे एक और प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरह जितने भी इंडिपेंडेंट थ्रेड होते हैं उनको हम पैरेलल चला देते हैं। तो ये थ्रेड का कॉन्सेप्ट है। अब जावा के अंदर थ्रेड क्रिएट कैसे किए जाते हैं, इसके दो तरीके होते हैं, एक तो हम इंटरफेस से भी जो है क्रिएट कर सकते हैं थ्रेड को, और इनहेरिटेंस से भी कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए उन्होंने दोनों अलग-अलग भी लिखे हुए हैं, बोथ का ऑप्शन भी है और नन का ऑप्शन भी है। सो बोथ का ऑप्शन जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 212 पे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, चले मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। यहाँ अगर आप आएँ ये देखें, क्रिएटिंग थ्रेड्स इन जावा दो तरह से, यूजिंग इंटरफेस एंड यूजिंग इनहेरिटेंस, दो तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। इंटरफेस से किस तरह से क्रिएट किया जाता है, इंटरफेस से जब आप क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक क्लास क्रिएट करनी होती है जिसके अंदर आप इम्प्लीमेंट करेंगे रनेबल, ठीक है। ये देखिए मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिखी हुई है, आप एक क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम जो है वो माई क्लास रखा, आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे रनेबल, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप रन की कमांड देंगे, देखिए पब्लिक वॉइड रन, और रन के अंदर आप अपना कोड लिख देंगे, जो भी आपका कोड होगा वो पैरेलल रन करना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, रन इन पैरेलल विद सम अदर कोड, कोई और कोड, कोई और प्रोसेस जो चल रहा है उसके पैरेलल ये कोड भी चलने लग जाएगा। ये तरीका है इंटरफेस से थ्रेड को क्रिएट करने का। लेकिन अगर आपने इनहेरिटेंस से करना हो तो क्या करेंगे, इनहेरिटेंस से करने के लिए सबसे पहले आपको एक क्लास इनहेरिट करनी पड़ती है, ठीक है। क्लास कैसे इनहेरिट करेंगे, सबसे पहले आप एक क्लास बनाएंगे, ये आपने क्लास बनाई जिसका नाम आपने रखा माई थ्रेड, मैंने एग्जाम्पल दी हुई है, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो माई थ्रेड आपने जो है वो क्लास का नाम रखा, और उसके बाद आपको एक क्लास एक्सटेंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर रहे थे रनेबल इंटरफेस के अंदर, लेकिन इनहेरिटेंस के अंदर आपको थ्रेड क्लास जो है वो एक्सटेंड करनी है। ये इनका डिफरेंस भी है, ये आपने याद रखना है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मे बी शॉर्ट भी आ सकता है आपको। और उसके बाद सेम है, आपने पब्लिक वॉइड रन जो है वो रन की कमांड देनी है, और उसके अंदर आप अपना कोड लिखेंगे तो वो आपका कोड जो है वो पैरेलल रन कर देगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है इनहेरिटेंस और इंटरफेस में, और ये भी पता चल गया कि जो है ये दो तरीकों से जावा के अंदर थ्रेड को क्रिएट किया जा सकता है। तो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर बीन स्कोप इन जेएसपी पेज फ्रॉम मोस्ट विजिबल टू लीस्ट विजिबल। कह रहे हैं कि जेएसपी पेज के अंदर जो है हमारे पास बीन स्कोप का एक ऑर्डर होता है, ठीक है, वो आपने करेक्ट ऑर्डर बताना है किस तरह से मोस्ट विजिबल से लीस्ट विजिबल की तरफ। ओके, तो चार चीज़ें आपके पास होती हैं, पेज, रिक्वेस्ट, सेशन एंड एप्लीकेशन। ओके, इसमें से जो है आपकी मोस्ट विजिबल जो है वो एप्लीकेशन होती है और लीस्ट विजिबल जो है वो पेज होता है। मैं आपको ये देखिए पेज 371 पे आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन है, वहीं पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये देखें यहाँ पे एप्लीकेशन जो है ये हमारी मोस्ट विजिबल होती है, क्योंकि जितने भी हमारे पास पेजेस होते हैं वो सारे के सारे सेम एप्लीकेशन के अंदर चल रहे होते हैं। ठीक है, आपके पास जितने एक पेज है या एक से ज़्यादा पेजेस है सेम एप्लीकेशन के अंदर चल रहे हैं, तो इसलिए एप्लीकेशन जो है ये आपकी मोस्ट विजिबल है और पेज जो है ये लीस्ट विजिबल होता है। ठीक है, तो ये आपकी जो है अगर मोस्ट विजिबल से लीस्ट विजिबल की तरफ कहा है तो आप एप्लीकेशन सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन जो हमारा नॉर्मल फ्लो होता है वो पेज से अपवर्ड होता है। ठीक है, नॉर्मल कहीं भी लिखा होगा तो वो पेज, रिक्वेस्ट, सेशन एंड एप्लीकेशन की फॉर्म में लिखा होगा, लेकिन अब यहाँ पे हमने देखा कि हमें कहा हुआ था कि आपने मोस्ट से लिस्ट की तरफ आना है, तो हम इसे रिवर्स लिखेंगे, पहले एप्लीकेशन, फिर सेशन, फिर रिक्वेस्ट एंड फिर पेज। तो ये देखें एप्लीकेशन से पेज की तरफ, तो ये फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर। और ग्रीन टिक आपने जो है वो ध्यान में रखने हैं कि ये आपके रिसेंटली आज के पेपर में एमसीक्यूज़ जो हैं वो आए हुए हैं, तो इसका मतलब अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहेंगे तो आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट चॉइस एज अ कंट्रोलर इन एमवीसी मॉडल आर्किटेक्चर। कहते हैं कि एमवीसी मॉडल आर्किटेक्चर के अंदर कंट्रोलर के तौर पे आप इनमें से क्या चीज़ चूज़ करेंगे, बेस्ट चॉइस आपकी क्या होगी इनमें से। तो सारे ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है जावा। जावा हमने पहले भी देखा और हम वैसे भी जानते हैं कि जावा जो है ये हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंट्रोलर नहीं है, तो जावा तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट भी हमारे पास एक स्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, ये भी हमारे पास कंट्रोलर नहीं है। बाकी हमारे पास ऑप्शन रह गए सर्वलेट एंड जेएसपी। जेएसपी जो है ये एमवीसी के अंदर आपको व्यू तो क्रिएट करके देता है लेकिन ये कंट्रोलर नहीं है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपको व्यू के बारे में पूछा जाए कि आप व्यू के लिए एमवीसी मॉडल आर्किटेक्चर के अंदर क्या चूज़ करेंगे, तब आप जेएसपी को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर बेस्ट चॉइस ऐसा कंट्रोलर पूछा गया है जैसे अभी आपसे पूछा गया है, तो कंट्रोलर के लिए हम सर्वलेट को चूज़ करेंगे। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बिल्ट इन वैलिडेटर। कौन सा इनमें से हमारे पास बिल्ट इन वैलिडेटर नहीं है। तो हमारे पास तीन बिल्ट इन वैलिडेटर होते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो डबल रेंज वैलिडेटर है, लॉन्ग रेंज वैलिडेटर है एंड लेंथ वैलिडेटर है। स्ट्रिंग वैलिडेटर हमारे पास नहीं होता। ये पेज 479 पर लिखा हुआ है, आप इसे खुद भी खोल के देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअली जो हमारे पास डबल रेंज और लॉन्ग रेंज वैलिडेटर होते हैं ये दोनों नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो लेंथ वैलिडेटर है ये हमारे पास स्ट्रिंग के लिए लेंथ वैलिडेटर यूज़ किया जाता है और इसके अंदर स्पेसिफाई करनी पड़ती है हमें लेंथ। ठीक है, लेंथ की वैल्यू बतानी पड़ती है कि इतनी लेंथ होगी और फिर हम इसके अंदर स्ट्रिंग देते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए लेंथ वैलिडेटर यूज़ किया जाता है, ना कि स्ट्रिंग वैलिडेटर। सो इस तरह भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्ट्रिंग वैलिडेटर के लिए कौन सा वैलिडेटर जो है वो यूज़ किया जाता है और चारों ऑप्शन हों, तो लेंथ वैलिडेटर स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है और डबल रेंज और लॉन्ग रेंज जो है ये नंबर्स के लिए यूज़ होते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी हमें पेपर आज के पेपर में आया हुआ है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कॉमेंट्स इन जेएसपी। कहते हैं कि जेएसपी के अंदर कॉमेंट्स के लिए आप क्या यूज करते हैं। तो यहाँ डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, आप देख सकते हैं कि थोड़े डिफरेंस के साथ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन सिर्फ कमेंट्स के बारे में नहीं किया जाता, आपके पास 4 to 5 ऑलमोस्ट और भी इस तरह के मेथड्स होते हैं जिनके डिफ़ॉल्ट इस तरह से दिए होते हैं और आपसे कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में और क्विज़ में तो मोस्टली पूछ लिया जाता है।
तो हम वो सारे देख लेते हैं नोट्स के अंदर। पेज 336 पे आपके वो बने हुए हैं, आप भी अपने नोट्स से खोल सकते हैं या चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। और ये ग्रीन टिक आपको वैसे भी इंडिकेट कर रहा होगा कि ये आज के पेपर में भी आया हुआ है, सो इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो चलें चलते हैं नोट्स की तरफ। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है ग्लोबल कंट्रोल। एक चीज़ पहले मैं आपको बता दूं कि सबके स्टार्ट में ये ओपन ब्रैकेट और परसेंटेज का निशान और परसेंटेज का निशान और क्लोज ब्रैकेट जो है ये ऑलमोस्ट सब में सेम है, ठीक है। तो ये आपने जो है इसे जहन में रखना है। सबसे पहले है हमारे पास ग्लोबल कंट्रोल। ग्लोबल कंट्रोल के अंदर आपके पास एट द रेट आता है, ठीक है। ग्लोबल कंट्रोल में आपने जो भी लिखना होगा वो ओपन ब्रैकेट परसेंटेज एट द रेट लगा के उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। और फिर एंड पे आप परसेंटेज और ये लगा के तो ख़त्म कर देंगे। इसी तरह उसके बाद आते हैं आपके पास जीएसपी के कमेंट्स। जीएसपी के कमेंट्स किस तरह आते हैं, आपके पास ओपन ब्रैकेट परसेंटेज दो डैश के निशान आएंगे, ठीक है। फिर आपके पास कमेंट जो भी लिखना है वो आएगा, फिर दो डैश के निशान और फिर इस तरह से ये। ये अगर आप देखें तो यहाँ आपके जो ऑप्शन है उसमें भी उन्होंने क्लियर किया हुआ है। ये देखें, यहाँ अगर आप देखें तो ये परसेंटेज के निशान के बाद दो डैश के निशान है, फिर उन्होंने जो भी कमेंट लिखना है वो कमेंट लिखें और फिर दो डैश के निशान और फिर उसी तरह से उसे क्लोज कर देना है। तो आपके जो ऑप्शन है वो अगर आप देखें तो यहाँ उसने डॉट लगाए हैं, यहाँ डैशेस लगाए हैं, यहाँ कुछ भी नहीं लगाया और यहाँ जो है वो आपके पास नॉट का साइन लगाया हुआ है। लेकिन जो करेक्ट आंसर है कॉमेंट्स में वो हमारा डैशेज वाला है। तो बाकी भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो उसके बाद हमारे पास आती है डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन जो है इसमें आपके पास ये नॉट का साइन आता है, ये भी बिल्कुल इसी तरह ये स्टार्ट में आएगा, इसके बाद जो भी आपने डेक्लेरेशन लिखनी है वो लिखेंगे और ये आप एंड पे लगाएंगे। इसके बाद एक्सप्रेशन आती है, एक्सप्रेशन में आपके पास जो है वो इक्वल का साइन आता है, ओके। आपने याद रखना है, अक्सर मिक्स हो जाते हैं डिक्लेरेशन के लिए इक्वल और एक्सप्रेशन के लिए ये वाला साइन जहन में आ जाता है, लेकिन आपने हर एक को अलग-अलग स्पेसिफाई करना है। बस औकात ऐसा भी होता है कि आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है, कोई भी तीन नाम लिख देता है, जैसे डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन और स्क्रिप्टेड लिख देगा और कहेगा कि इनके फॉर्मेट जो है वो सामने लिख दें, टेबल की फॉर्म में बना होता आ जाता है, या आपको जो है ये फॉर्मेट इनके दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनका नाम लिख दें, या इस तरह जैसे अभी एमसीक्यूज़ में या क्विज़ में आया हुआ है इस तरह भी आ जाते हैं। तो आपने इसे अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है स्क्रिप्टलेट, सॉरी ये लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है, और इसके सेंटर में कुछ भी नहीं आता, ये स्टार्ट जो है ओपन ब्रैकेट और परसेंटेज से होता है और एंड भी परसेंटेज और क्लोज ब्रैकेट से होता है। इसके बाद जो है हमारे पास लास्ट वाला जो है वो ये देखें, यहाँ पे वो हमारे पास टैग्स होते हैं। टैग जो है वो डिफरेंट था, मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था तो कहा था कि ऑलमोस्ट सबके स्टार्ट और एंड पे ओपन ब्रैकेट परसेंटेज और परसेंटेज क्लोज ब्रैकेट आता है, तो वो ऑलमोस्ट का मतलब ये था कि टैग्स के अंदर नहीं आता। जो टैग्स होते हैं वो उसमें ओपन ब्रैकेट आती है, उसके बाद जे एस पी कॉलन लगाते हैं आप और फिर भी जो आपका टैग होता है वो लिखते हैं और उसके बाद ख़त्म करते हुए आप उसमें जो है बैक स्लैश लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये सारे जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जावा प्रोग्राम कोड इज कंपाइल्ड इनटू अ फॉर्म कॉल्ड डैश। अगर आप चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सो मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जज़ाकअल्लाह खैरा। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जावा प्रोग्राम का कोड जो है वो कंपाइल करने के बाद किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। नॉर्मली आपको पता होगा हम हर जितनी भी हमारी हायर लैंग्वेज होती हैं इनको कंपाइल करते हैं ताकि ये कंप्यूटर की जो समझी जाने वाली लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो जावा प्रोग्राम को हम डायरेक्ट जो है वो 10 की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते, हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो तो 10 की फॉर्म में कोड को समझते हैं, लेकिन हम इसे बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं। बाइट कोड में कन्वर्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि आप इसे किसी भी डिवाइस, किसी भी सिस्टम पे जो है वो रन करवा सकते हैं। तो आपको हर एक के लिए दोबारा से कंपाइल नहीं करवाना पड़ेगा, आप जस्ट बाइट कोड दें और वो हर जगह पर रन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फैसिलिटी के लिए हम जो है वो जावा के अंदर ये बाइट कोड है और ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अगर आपको हर जो है डिवाइस या हर सिस्टम के लिए अलग से कंपाइल करवाना पड़े तो वो बहुत एक डिफ़िकल्ट काम हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिट गया, इसे हम स्किप करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिकॉर्डिंग HTTP सर्वलेट क्लास। कहते हैं कि HTTP सर्वलेट क्लास जो है उसके हवाले से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है इसमें से। तो आपके पास चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसका मतलब कि बाकी तीन स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रू स्टेटमेंट्स देखनी चाहिए, ठीक है। HTTP सर्वलेट जो है वो राइटिंग प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट सर्वेलेंट होता है, ठीक है। इट्स यूज फॉर द राइटिंग प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट सर्वेलेंट। उसके बाद है, इट इज़ अवेलेबल इन JavaX सर्वेलेंट HTTP पैकेज। ये किस पैकेज के अंदर होता है ये भी आपने देख लेना है, और ये कौन सी क्लास को एक्सटेंड करता है। ये एक्चुअली कोई इतनी ऐसी लॉजिकल चीज़ नहीं होती कि आपको बताई जाए, सो ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी, जैसे कि ये कौन से पैकेज के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है, वो आपको याद रखना होगा। ये कौन सी क्लास को एक्सटेंड करता है वो आपको याद रखना होगा। और जो है ये यूज़ किस लिए किया जाता है, ताकि हम जो प्रोटोकॉल है वो इंडिपेंडेंट सर्वेलेट के लिए लिखे जा सके। तो यहाँ जो फॉल्स ऑप्शन है वो कहता है कि यूज़ फॉर राइटिंग प्रोटोकॉल डिपेंडेंट सर्वेलेंट। ओके, ये क्वेश्चन भी आज के पेपर में आया हुआ था। सो ये डिपेंडेंट सर्वेलेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता, ये इंडिपेंडेंट करने के लिए, सर्वेलेंट को इंडिपेंडेंट करने, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो नॉर्मली वैसे VU वालों का ये भी है कि इस तरह के क्वेश्चंस दे देते हैं, जो अगर थोड़ी सी अकल दौड़ाओ तो पता चल जाएगा कि यही सेम जो है ऑप्शन दिया हुआ है चेंज करके। तो अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट हो जहन में या पता हो कि ये इंडिपेंडेंट के लिए यूज़ होता है या डिपेंडेंट के लिए, तो आप इजीली इन दोनों में से एक चूज़ कर सकते हैं। सो आपने याद रखना है, अब तो पता चल ही गया। 261 पे इसके ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वहाँ पे आप इन्हें देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वलेट मैपिंग ऑफ अ सर्वलेट इज़ डिफाइंड इन डैश फाइल। कौन सी फाइल के अंदर इसे डिफाइन किया जाता है सर्वलेट मैपिंग को। तो सर्वेलेंट मैपिंग को जो है web.xml के अंदर डिफाइन किया जाता है। इसमें भी कोई ऐसी लॉजिक नहीं है, कि आपने याद रखना है कि जो सर्वेलेंट मैपिंग होती है उसे web.xml के अंदर डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, बाय यूजिंग सेंड रीडायरेक्ट मेथड ऑफ डैश ऑब्जेक्ट अ न्यू रिक्वेस्ट इज जनरेटेड विच रीडायरेक्ट्स द यूज़र टू कॉल्ड रिसोर्स। अब देखें, ये बिल्कुल आसान है। अगर आपको नहीं भी आता, वो अगर तुक्के वाली कंडीशन भी हो तब भी आप बड़ी इजी से लगा सकते हैं। वो कहता है कि सेंड रीडायरेक्ट के अंदर ऐसा कौन सा मेथड है जिससे न्यू रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है। तो जाहिर है, रिक्वेस्ट के मेथड से रिक्वेस्ट जनरेट होगी और रिस्पॉन्स के मेथड से रिस्पॉन्स जनरेट होगा। अगर वो आपसे ये पूछ लेता है कि रिस्पॉन्स देने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जा सकता है, तब आप रिस्पॉन्स को जो है वो चूज़ करेंगे। और अगर यहाँ जैसे इसने पूछा हुआ है कि एक न्यू रिक्वेस्ट अगर आपने जनरेट करनी है तो तब आप क्या करेंगे, तो तब आप जो है वो रिक्वेस्ट का मेथड जो है वो चूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू क्रिएट एन एरे लिस्ट टू होल्ड स्ट्रिंग्स विद एन इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 10 आइटम्स। अगर 10 आइटम्स हैं आपके पास, तो आपकी जो एरे लिस्ट है वो किस तरह से लिखी जाएगी ये आपने बताना है। अगर आपने प्रोग्रामिंग की है, बेसिक सी प्रोग्रामिंग भी की है, तो आपको पता होगा कि एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो हम इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, इस तरह की ब्रैकेट जो जिसे स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है ना, इसके अंदर लिखते हैं, ना तो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, ये देखें ये राउंड ब्रैकेट्स हैं, और ना ही इस वाली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। सो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसे लिखा जाता है। बाकी ऑलमोस्ट उन्होंने सेम दिया हुआ है, सिर्फ ब्रैकेट्स का ही जो है वो थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। हाँ ये है, ये अगर आप देखें तो ये जो है AL जो है ये पहले या बाद में लिखा हुआ है, लेकिन आपने ये फोकस करना है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो एरे को लिखा जाता है। सिर्फ एरे लिस्ट की बात नहीं है, कहीं भी आप एरे लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स ही यूज़ होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से जो है वो रेटिंग अच्छी हो जाती है, यानी कि सर्च करने पे आप टॉप पे वीडियो आ जाती है। तो अगर मेरी एफर्ट्स आपको पसंद आती हैं तो इतना तो आप कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास जो है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सिंटैक्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग विंडो लिसनर एंड माउस लिसनर इंटरफेस इन अ क्लास नेम GUI।
आपके पास एक क्लास है GUI के नेम से, उसके अंदर वो कह रहा है कि आपने विंडो लिसनर और माउस लिसनर दोनों को इम्प्लीमेंट करना है, तो आप किस तरह से करेंगे? तो सिंपल है, आपने दो चीज़ों को जब भी इम्प्लीमेंट करना हो तो आप उनके दरमियान कोमा लगा सकते हैं और दोनों चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, ठीक है? तो एक चीज़ तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी कि आपको विंडो लिसनर और माउस लिसनर के दरमियान में जो है वो कोमा लगाना है दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास कोमा के भी दो ऑप्शन हैं, एक ही है और एक ही है, तो इसमें कहाँ डिफरेंस दिया हुआ है? ये देखिए, इम्प्लीमेंट के अंदर डिफरेंस दिया हुआ है। एक्चुअली जब हम यूज़ करते हैं तो हमने कोई क्लास इम्प्लीमेंट करनी होती है तो हम उसके लिए इम्प्लीमेंट्स वर्ड लिखते हैं, ठीक है? नॉर्मली जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम इम्प्लीमेंट ही कहते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम यूज़ करते हैं तो ये रूल है, मतलब एक वर्ड है प्रोग्रामिंग का जिसे हमने यूज़ करना होता है, सो इम्प्लीमेंट्स वर्ड को यूज़ किया जाता है। सो सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। और आपने ये ध्यान रखना है कि एक तो कोमा लगेगा, वो तो नॉर्मली भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर कोमे वाले दो आ जाएंगे, तो इसमें कहाँ डिफरेंस है? या इम्प्लीमेंट्स का और भी किसी तरह से जो है इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने ध्यान रखना है इम्प्लीमेंट्स यूज़ होता है, इम्प्लीमेंट यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्लीप इन टाइम मेथड कॉज द करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड टू वेट फॉर द टाइम स्पेसिफाइड इन। कहते हैं कि थ्रेड को अगर हमने वेट करवाना है तो उसे टाइम, कितना टाइम वेट करवाना है वो टाइम हम मिली सेकेंड्स में देंगे, नैनो सेकेंड्स में देंगे, सेकेंड्स में या मिनट्स में? अब थ्रेड वेट क्यों करेगा, पहले तो इस बात का जिक्र करें। थ्रेड हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था स्टार्ट में कि थ्रेड ये होता है कि आपका एक प्रोसेस चल रहा है, दूसरा इंडिपेंडेंट प्रोसेस है वो भी चल रहा है, तो दोनों को वेट, किसी को भी वेट करने की क्या ज़रूरत है? एक्चुअली बाज़ुकात ऐसा होता है कि दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होते, यानी कि ये जो दूसरा थ्रेड चल रहा है इसको, ये इतना तो इंडिपेंडेंट था, यहाँ पे आके इसको इसका आउटपुट चाहिए, ठीक है, फर्स्ट वाले थ्रेड का। तो अब देखें, ये अभी यहाँ तक पहुँचा, इसने तो अभी तक वो आउटपुट लिया ही नहीं जो इसको चाहिए था, ठीक है? इस तरह मैं ये कलर चेंज कर देती हूँ। इसको अब इससे आउटपुट चाहिए, ये आउटपुट देगा तब ही अब ये वाला थ्रेड जो है ये आगे काम कर सकता है, लेकिन ये तो, इसे तो अभी वो वैल्यू मिली ही नहीं जो इसने आउटपुट में देनी थी, तो उतनी देर ये क्या करेगा? उतनी देर इस वाले को स्लीप कर दिया जाएगा, और ये स्लीप करने के लिए हम टाइम बताएंगे कि कितना टाइम स्लीप होना है। वो टाइम किस फॉर्म में बताया जाता है? वो टाइम जो है ये मिली सेकेंड्स में बताया जाता है। इट्स अ रूल, नॉट अ बिग लॉजिक के मिली में ही क्यों बताएंगे, नैनो में क्यों नहीं बताएंगे, मिली सेकेंड्स में हम टाइम बताएंगे कि ये इतना टाइम स्लीप करेगा, उसके बाद फिर इसे यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा, तो फिर ये वापस अपना काम स्टार्ट कर देगा। ओके, तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैन बी अपेंडेड टू URL यूजिंग। कहते हैं कि URL के अंदर आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपेंड करनी है या ऐड करनी है, तो वो आप किसको यूज़ करके करेंगे? एक्स्ट्रा पाथ इन्फॉर्मेशन से कर सकते हैं ये काम, एडिट पैरामीटर से कर सकते हैं, कस्टम चेंज से कर सकते हैं, या तीनों ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए आखिर वो क्या कह रहा है। URL आप जानते हैं, जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसके टॉप पे जो उसका पाथ होता है वो URL होता है। तो हम देख लेते हैं सारे ऑप्शंस को एक एक दफ़ा। सबसे पहले एक्स्ट्रा पाथ इन्फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा पाथ इन्फॉर्मेशन कैसे है? जैसे वो आपको बताएगा कि लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, हमने दराज ओपन किया तो वो बताएगा आप दराज के अंदर आए, दराज तो खैर नहीं लिखेगा, पेज का नाम लिखेगा जिस पेज पे आए। उसके बाद आपने कोई जो है वो एक कैटेगरी ओपन की, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी ओपन की, तो वो यहाँ पे लिख देगा कि आपने अब इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी ओपन की है, ठीक है? फिर उसके अंदर आपने जो है वो हैंड फ्री की कोई कैटेगरी थी वो आपने ओपन कर दी, तो वो जो है इस तरह ऐड करता जाता है आपके, जो हैंड फ्री लिख देगा, ठीक है? तो वो पाथ को देख के आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो है हमने पहले इसका पेज किया था, फिर उसके बाद हम इस सेक्शन में आए थे, फिर इस सेक्शन में आए हैं। तो ये एक्स्ट्रा पाथ इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? आप इस, ये तो आपका मेन पाथ था, इसके बाद आप किस किस पाथ से गुजरे हैं वो एक्स्ट्रा पाथ जो है URL में ऐड कर दिया जाता है, तो ये भी आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर पैरामीटर्स कुछ ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, तो ये आपके पैरामीटर्स हैं, ठीक है? ये आपके पैरामीटर्स होते हैं, इस तरह कुछ पैरामीटर्स भी ऐड कर दिए जाते हैं, तो ये पैरामीटर्स जो हैं ये भी आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। फिर कुछ कस्टम टैग्स होते हैं, कस्टम चेंज होते हैं, सॉरी टैग नहीं, कस्टम चेंज होते हैं,
जैसे कि आपने जो है ये पे डायरेक्ट एंट्री पे जाना है, तो आप पूरा खुद यूआरएल लिख सकते हैं, ठीक है, यूआरएल लिख दें कि मुझे यहाँ पे जाना है, और वो डायरेक्ट आपको पहुँचा देगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है यूआरएल में चेंज करके वहाँ पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूआरएल में दे सकते हैं। तो ये तीनों तरीके हैं जिससे हम यूआरएल में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अपेंड कर सकते हैं। सो ऑल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो हम ऐसा करते हैं एक आध क्वेश्चन और करते हैं, और फिर बाकी जो क्वेश्चंस हैं क्विज हैं वो मैं आपको सेकंड पार्ट में करवा दूंगी। सेकंड पार्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक आपने काफ़ी सारी वीडियो देखी है, तो आपको वीडियो कैसी लगी है कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कॉमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन होते हैं कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, सो ज़रूर बताया करें। चलें ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर पेज सेंट्रिक अप्रोच। ओके, कहता है कि पेज सेंट्रिक अप्रोच के लिए कौन सी जो हमारे पास नीचे ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। तो हमारे पास एक्चुअली दो अप्रोचेज होती हैं, एक पेज सेंट्रिक अप्रोच होती है और दूसरी, हम ये नोट्स पे चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पेज नंबर मैंने मैंशन किया हुआ है, जी पेज 404 पे है, ये देखें। यहाँ पर एक हमारे पास पेज सेंट्रिक अप्रोच होती है और एक पेज विद बीन अप्रोच होती है। ये दोनों क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। पेज सेंट्रिक अप्रोच एक्चुअली इस तरह होती है कि जब भी यूज़र को कोई चीज़ चाहिए तो यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट करेगा जेएसपी को, जेएसपी वो जो भी उसे जो चीज़ चाहिए वो डाटाबेस से लेगा, और डाटाबेस से लेने के बाद यूज़र को वापस कर देगा। यानी कि यूज़र को जो है वो रिस्पॉन्स में वो भी जो भी फाइल थी या जो भी उसकी रिक्वेस्ट थी वो कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अब देखें जो पेज सेंट्रिक अप्रोच है, एक्चुअली हमारे पास जो है वो तीन तरह की प्रेजेंट वो लेयर्स होती हैं। एक प्रेजेंटेशन लेयर होती है, एक हमारे पास बिजनेस लेयर होती है, और एक डाटा लेयर होती है। जो पेज सेंट्रिक अप्रोच है इसमें तीनों लेयर्स जो हैं वो इकट्ठी जेएसपी के अंदर होती हैं, क्योंकि तीनों लेयर्स इकट्ठी होती हैं तो कोड को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तीनों लेयर्स के अंदर से कोड को ढूंढना, उसे मेंटेन करना, अपग्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। उसकी स्केलिंग भी एक बहुत मुश्किल काम होती है, और इसके लिए जो है बहुत सारा कोड जो है वो भी डुप्लीकेट हो जाता है। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। तीनों लेयर्स इसमें सेम जगह पर होती हैं, मेंटेनेंस बहुत मुश्किल होती है, स्केलिंग भी बहुत मुश्किल होती है, और कोड भी इसका डुप्लीकेट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आती है पेज विद बीन अप्रोच। पेज विद बीन अप्रोच ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर बीन को ऐड कर दिया गया। यहाँ क्या किया कि यहाँ हमारे पास तीनों लेयर्स जेएसपी के अंदर थी, लेकिन यहाँ क्या किया कि जो लॉजिक लेयर है, ठीक है, बिजनेस लेयर, एक्चुअली सारी लॉजिक जो है वो बिजनेस लेयर के अंदर होती है, तो जो लॉजिक वाली लेयर है उसको बीन के अंदर डाल दिया गया। तो इस तरह से लॉजिक जो है वो सेपरेट हो गई, तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। तो ये जो है पेज विद बीन अप्रोच जो है उसके अंदर ये हमें फ़ायदा मिलता है। ये देखिए यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है, ऑल द बिजनेस लॉजिक गोज इन टू द जावा बीन्स। सो ये जितनी भी मैंने आपको डिटेल बताई है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो क्वेश्चन आपको वहाँ दिया हुआ है वो मैं वहाँ जाके बता देती हूँ, फिर इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है, इसके ड्रॉबैक्स पूछे जा सकते हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। फिर प्रेजेंटेशन, बिजनेस और डाटा लेयर्स जो होती हैं, ये तीनों लेयर, ये वैसे तो सेपरेट टॉपिक है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर क्या होता है, बिजनेस के अंदर क्या होता है, डाटा के अंदर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्विज आ जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर वो होती है जो यूज़र इंटरफेस पे होती है, यानी कि यूज़र को जो भी चीज़ नज़र आ रही है वो प्रेजेंटेशन है, उसकी लेयर है। बिजनेस लेयर जितनी भी लॉजिक्स हैं वो बिजनेस लेयर पे होती हैं, और जो डाटा एक्सेस है वो डेटाबेस पे जो काम हो रहा होता है वो डाटा एक्सेस पे होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलें क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ उसने कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, ऑप्शंस देखते हैं। ये देखें, वो सबसे पहले कह रहा था कि मेंटेनेंस जो है वो बिकम अ नाइटमेयर, के एक ड्रोने ख्वाब जैसी हो जाती है। जी मेंटेनेंस जो है ये बहुत मुश्किल हो जाती है, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा भी हुआ है नोट्स के अंदर। इसी तरह कोड भी डुप्लीकेट होता है उसमें, और जो है सारी की सारी लेयर्स भी सेम जगह पर होती हैं। इसमें इसने लिखा हुआ है कि स्केलिंग जो है ये इजी प्रोसेस होता है, ये हमारा रॉन्ग आंसर है, और यानी कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। बाकी कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।